हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनोइड। देखो लॉन्ग सोलेनोइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस निकालते हैं हम, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो ये मैं डायग्राम वही बना देता हूँ, इसमें ये एक लॉन्ग सोलेनोइड है आपके पास, ठीक है। ये एक लॉन्ग सोलेनोइड है जिसकी लेंथ एल है आपके पास, क्लियर। और ये हमने इसमें एक सेल लगा दिया और ये एक टैपिंग की, ठीक है, क्लियर। और ये आपके पास हो गया P1 to P2, क्लियर। तो हमने एक सोलेनोइड लिया जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ये क्या है, n नंबर ऑफ टर्न्स हो गई इसके अंदर, क्लियर, ये टर्न्स हो गई। एंड लेट i इज द करंट फ्लोइंग थ्रू अ सोलेनोइड, और इसमें करंट कौन सा फ्लो हो रहा है आपके पास, i करंट फ्लो हो रहा है सोलेनोइड के अंदर। और b इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। सोलेनोइड के इनसाइड में क्या होती है आपके पास, पैरेलल लाइंस बन जाती है ना इसमें, ठीक है। वो आगे जैसे ऐसे घूम रही होती है, लेकिन अगर इनसाइड द सोलेनोइड देखें हम तो कैसी होती हैं, ये पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है। तो बी क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, क्लियर है। और अगर आपको याद हो मैग्नेटिक फील्ड हमने सोलेनोइड में निकाला था वो कितना था, म्यू नॉट एन आई था, याद है। एन क्या होता था, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो हम लिखते थे म्यू नॉट और ये कैपिटल एन, और एन क्या था, एन बाय एल, इस तरीके से, ठीक है। ये होता था सोलेनोइड में जो निकलता था हमारा मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ, क्लियर है, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि जो फ्लक्स लिंक्ड होती है कॉइल में वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, करंट के, जितना करंट होता है उतनी फ्लक्स लिंक करेगी, ठीक है। और हमने यहाँ से फाई इज इक्वल टू में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के एल आई लगाया था, ठीक है। एल क्या है हमारे पास यहाँ पर, ये कोफिशेंट क्या है, कोफिशेंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, क्लियर या नहीं, या फिर सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, क्लियर है इतनी बार, ठीक है। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। और देखो अब एक फ्लक्स, आपको पता है जब मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स वाला टॉपिक करवाया था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था फाई इज इक्वल टू में क्या होता है, बी ए कॉस थीटा होता है, याद है, ठीक है। थीटा किस किस के बीच में होता है, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, क्लियर, इसमें से ऐसे ही निकल रहा होगा। और एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर जैसे मान लो ये आपके पास ये कॉइल इस तरीके से है, ये इस तरीके से यहाँ ऐसे ऐसे कई सारी लगी हुई हैं, ठीक है। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी इस साइड ऐसे ही बनेगा, परपेंडिकुलर होता है ना एरिया वेक्टर इस तरीके से, ठीक है। ये आपके पास क्या है, पूरा सर्कल है मान लो, तो इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होता है हमेशा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर इस तरीके से जाएगा इसमें, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है इधर। तो थीटा कितना हो गया, 0 degree, ठीक है, थीटा हो गया 0। तो कॉस 0 कितना होता है आपके पास, 1 होता है, ठीक है, बी ए कॉस 0। तो फाई आ गया आपके पास बी ए, और कॉस 0 1 ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने यहाँ सिर्फ समझने के लिए लिखनी है, ठीक है, इसको फेयर में नहीं नोट करना, इस वाले पार्ट को, समझ रहे हो। तो यहाँ पर मैं जो लिख रहा हूँ उसको समझो, फाई की वैल्यू आपको पता है एक क्या होती है, बी ए, ये एक सर्कल के लिए होता है। ऐसे कितने सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं, एन है हमारे पास, कैपिटल एन, तो ये हमने कैपिटल एन लिख दिया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बता दो, समझ में आया ये एन बी ए कैसे लिखा, बी ए कोस थीटा यहाँ से आता था, और हमने देख लिया थीटा 0 है तो कोस 0 1 होता है, तो बी ए बचा। ये तो एक सर्कल के लिए था, अगर ऐसे ऐसे नंबर ऑफ कितने हों, एन नंबर हों, तो कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये टोटल फ्लक्स आ गया आपके पास, इसको मान लेते हैं हम सेकंड इक्वेशन। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। अब आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनोइड, ये हमने टॉपिक किया था, इनसाइड द सोलेनोइड या सेंटर ऑफ सोलेनोइड, ठीक है। ये मैंने अभी ऊपर भी बताया था आपको, ये वाला बी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, ये म्यू नॉट स्मॉल एन आई, एन क्या होता है हमारे पास, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट n बाय एल, और साथ में i, यहाँ आप लिख भी सकते हो कि n क्या है, कैपिटल n बाय एल, क्लियर है इतनी बात या नहीं है बता दो ज़रा, आई समझ में। इसको मान लो आप थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करो, पुट कर दो थर्ड को इन सेकंड, इस थर्ड इक्वेशन को सेकंड में पुट करो, तो फाई इज इक्वल टू देखो क्या आ जाएगा आपके पास, n साथ में ही है, b की वैल्यू ये पुट कर देते हैं, म्यू नॉट n बाय एल आई, और साथ में है a, समझ रहे हो इतनी बार, ठीक है। ये आ गया आपके पास फाई, इसको मान लेते हैं हम फोर्थ इक्वेशन, क्लियर है इतनी चीज़। अब देखो फर्स्ट जो है, क्योंकि हमें निकालनी है सेल्फ इंडक्टेंस, तो फर्स्ट को ले लेते हैं, फाई इज इक्वल टू एल आई है और यहाँ फाई इज इक्वल टू ये आया है, ठीक है, इनको इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, दोनों ही फ्लक्स हैं तो इक्वेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट से हमने एल आई ले लिया और फोर्थ से हमने ये ले लिया एन म्यू नॉट एन आई ए बाय एल, क्लियर। अब देखो ये आई यहाँ से इससे कैंसिल हो सकता है, या फिर इस आई को इधर नीचे ले जाते तब भी कैंसिल हो जाता, तो मैंने यहीं पर कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो एल की जो वैल्यू आई है वो क्या आ जाएगी आपके पास, म्यू नॉट, और ये एन इंटू एन कितना हो जाएगा, एन स्क्वेयर और साथ में ए और अपॉन में एल, ये आ गया आपके पास
सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनोइड। क्लियर है इतनी बात या नहीं? ठीक है, इसमें देखो इसका एक स्पेशल केस हो सकता है क्या, इफ देयर इज एनी मीडियम इंस्टेड ऑफ एयर। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो सोलेनोइड बनाया इसमें हमने क्या है एयर को कहा है क्योंकि म्यू नोट लिया था, तो अगर यहाँ पर कोई मीडियम हो तब क्या हो जाएगा, देखो तो क्या हो जाएगा म्यू नोट की जगह म्यू एम आ जाएगा। तो देखो कैसे L इज इक्वल टू आ जाएगा ये म्यू एम, परमेबिलिटी किसकी आ जाएगी आपके पास मीडियम की, एन स्क्वेयर बाई एल और ए। क्लियर, अब आपको पता है रिलेटिव परमेबिलिटी किसके इक्वल होती है, मीडियम के अपॉन में एयर वाले के। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप म्यू एम की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, दिख रहा है म्यू नोट इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो म्यू नोट इंटू में म्यू आर आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये पुट कर सकते हैं, देखो क्या आएगा आपके पास म्यू नोट म्यू आर एन स्क्वेयर ए अपॉन में एल। ठीक है जी, ये इस तरीके से आप लिख सकते हो। क्लियर है, आ रहा है समझ में क्या किया है हमने? ठीक है, अगर कोई मीडियम आ जाए तो फिर हम म्यू नोट की जगह म्यू एम लिख देंगे और म्यू एम की वैल्यू यहाँ से निकाल दी हमने म्यू नोट इंटू में म्यू आर, ये होती है। क्लियर है, बस कुछ भी नहीं है, सिंपल सा था। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास डेरिवेशन। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनोइड और बड़ी सिंपल सी है। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।